मेरे प्रिय स्टूडेंट सभी लोग का गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोग को आईटीआई ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। चलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़े थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे लेथ मशीन के हेड स्टॉक। लेथ मशीन के हेड स्टॉक क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह कहाँ असेंबल होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, आपको लेथ मशीन के मुख्य भाग में हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को बीच में जो स्थित होता है कैरेज, उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, उसके पार्ट्स किस तरह असेंबल होता है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए नोट करते हैं और उसको बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, कैरेज है ना, कैरेज क्या है इसके बारे में जानेंगे। कैरेज क्या है, तो कैरेज के बारे में जैसे ही कहेंगे तो हमें ज्ञात होना चाहिए। हम लोगों को पहले भी आपको बताए थे, जब हम पार्ट्स बताए थे मुख्य पार्ट्स लेथ मशीन के, जब मुख्य पार्ट्स बताए थे तो उस क्रम में भी हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन फिर हम थोड़ा दोहरा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे क्या हम दोहरा रहे हैं कि आपको कैरेज जो होता है लेथ मशीन के मुख्य पार्ट्स होते हैं जो वह हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीचों बीच मध्य में होते हैं। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीचों बीच आपको कैरेज पर, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को बीचों बीच कैरेज पर आपको मध्य में होते हैं। ठीक है, तो कैरेज पर मध्य में होते हैं तो वह जो कैरेज जो होते हैं वह बेड वे अर्थात उसमें स्लॉट कटा होता है वी आकार या फ्लैट बेड पर, तो वह बेड वे पे आपको आगे पीछे स्लाइड करता है ना। और इसकी जो बनावट है उसको जो पार्ट्स जो होते हैं, जो सबसे जो मुख्य पार्ट्स जो होते हैं वह बेड में जो बना होता है वह सैडल होता है। ठीक है, सभी पार्ट्स के बारे में हम नोट करेंगे। पहले हम यह जानेंगे कि आपको कैरेज जो होता है, जो फिगर को थोड़ा सा देख लेंगे आप, जब फिगर को देखते चलेंगे तो आपको बारीकी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो कैरेज के जो चित्र है वह देखेंगे और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैरेज के कौन कौन से भाग होते हैं और किस तरह असेंबल होता है और उसका क्या कार्य है, उसके बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा। तो लेथ मशीन में आपको कैरेज का जो भाग होते हैं उसका उपयोग जो होता है कि उपयोग क्या है कि कटिंग टूल को विभिन्न गतियों में चलाने का कार्य करता है। कटिंग टूल को विभिन्न गति प्रदान करने का कार्य करता है कौन, कैरेज। कटिंग टूल को विभिन्न गतियों में आपको चलाने का है ना, गति प्रदान करने का कार्य करता है कौन, कैरेज। ठीक है, मुख्य या उपयोग हो गया। उपयोग के बारे में जब हम समझ गए उसको बाद हम लोग को समझना है कि कैरेज का जो कैरेज द्वारा कटिंग टूल से जब हम फीड देते हैं है ना, जब विभिन्न गतियों में चलाते हैं तो वह कितने आपको फीड, मतलब आपको फीड से दिमाग में आपको आएगा कि फीड क्या है, तो कटिंग टूल द्वारा जितना वर्क पीस में फीड देकर कटिंग छिलाई किया जाता है, वर्क पीस को आपको काटा जाता है, वर्क पीस में जो मेटल को काटा जाता है, चिप्स को काटा जाता है, उसमें से हटाया जाता है, तो वह आपको फीड होता है जो जितना आपको काट कर वह जितना दूरी अंदर तय कर लेता है कटिंग टूल, तो वह क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या है कि फीड जो है वह फीड आपको कितने प्रकार के होते हैं उस पर आपको दिमाग में करना है कि कैरेज द्वारा जो होता है फीड कितने प्रकार से दी जाती है। कैरेज द्वारा जो होता है जो विभिन्न गति में आपको कटिंग पुल को चलाने के लिए कितने प्रकार से आपको फीड दी जाती है, तो मुख्यतः आपको तीन प्रकार से फीड दी जाती है जो हम लोग नोट करते चलेंगे और तीनों को बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए पहला जो है आपको कैरेज जो कितने प्रकार से फीड दी जाती है कैरेज द्वारा कटिंग टूल को, तो तीन प्रकार से। जो पहला जो आपको हो गया लॉन्गिट्यूडिनल फीड,
लॉन्गिट्यूडनल फिट लॉन्गिट्यूडनल फिट आई होगा यहां लॉन्गिट्यूडनल फिट। दूसरा है आपको ध्यान देंगे लॉन्गिट्यूडनल फिट के बाद आपको होता है क्रॉस फिट। लॉन्गिट्यूडनल फिट के बाद आपको क्रॉस फिट उसको बाद होता है तीसरा एंगुलर फिट ठीक है। तो यह आपको लॉन्गिट्यूडनल फिट क्या है क्रॉस फिट क्या है उसको बाद एंगुलर फिट क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लॉन्गिट्यूडनल ठीक है यह आपको डी ही होगा लॉन्गिट्यूडनल थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेंगे इसको लॉन्गिट्यूडनल फिट को लॉन्गिट्यूडनल फिट लॉन्गिट्यूडनल फिट के बारे में हम पहले बता चुके हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे कि लॉन्गिट्यूडनल फिट क्रॉस फिट और एंगुलर फिट क्या होता है ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आपको लॉन्गिट्यूडनल फिट क्रॉस फिट और एंगुलर फिट के क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल फिट जो होता है आप जो ध्यान दे रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल फिट में कैरेज द्वारा है ना कैरेज द्वारा जब के धुरी के समांतर है ना लॉन्गिट्यूडनल फिट जो कटिंग टूल को कैरेज की सहायता से जब के धुरी के समांतर रूप में चलाया जाता है जब के धुरी के समांतर रूप में जैसे जब है जब के धुरी के समांतर है ना समांतर रूप में आपको चलाया जाता है समांतर रूप में चलाता यह जब है और यह आपको कटिंग टूल है इसको मान लीजिए कि यह जब है और यह एक कटिंग टूल है और यह कटिंग टूल जो है आपको ऐसे समांतर रूप में आपको उसको फीड को यहां से स्टार्ट किया और यहां आपको समांतर रूप में ले गया ठीक है। तो यह लॉन्गिट्यूडनल फीड में क्या होता है कि जब को समांतर रूप में आपको फीड दी जाती है ना गति प्रदान किया जाता है। उसके बाद है आपको क्रॉस फीड में क्रॉस फीड जो हम लोग देखेंगे कि यह क्रॉस फीड है तो इसमें जो क्या होता है उसको भी बारीकी समझेंगे कि क्रॉस फीड में क्या होता है। तो कटिंग टूल के जब की है ना कटिंग टूल को जब की धुरी के लंबत रूप में चलाया जाता है फिर ध्यान देंगे कि यह आपको जब है और जब में आपको समझिएगा कटिंग टूल है मान लीजिए तो यह आपको क्या है कि लंबवत रूप में यह आगे बढ़ाया जाएगा क्रॉस में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे फीड को यह कटिंग करते हुए आगे बढ़ेगा तो ऐसे फीड को हम बोलते हैं क्रॉस फीड कहते हैं। ऐसे फीड को क्या बोलते हैं क्रॉस फीड कहते हैं। उसको बाद है एंगुलर फीड जो आप देख रहे हैं एंगुलर फीड में आपको जब को किसी भी कोण पर है ना जब को किसी भी कोण पर आपको आसानी पूर्वक फीड देने की क्रिया करता है एंगुलर फीड में कैरेज द्वारा किसी भी कोण पर जो वह कंपाउंड रेस्ट जो होता है कंपाउंड रेस्ट कंपाउंड स्लाइड भी कर सकते हैं। तो कंपाउंड रेस्ट के द्वारा वह किसी भी कोण पर आपको आसानी पूर्वक उसको फीड दे सकते हैं वह कटिंग कर सकता है। तो हम लोग समझे कि आपको क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड के बारे में समझ गए हैं कि समांतर में किसी भी जब को फीड किसी भी जब पर जब फीड देंगे तो कैरेज के भाग आपको लॉन्गिट्यूडनल फीड में कटिंग टूल को समांतर रूप में जब की समांतर रूप में आपको फीड देगा ठीक है समांतर रूप में कटिंग उसका करेगा। क्रॉस फीड में हम देखें कि क्रॉस फीड में क्या समझे कि जब को है ना जब को धुरी के लंबत रूप में कटिंग टूल फीड
कटिंग टूल द्वारा फीडिंग क्रिया किया जाएगा। तो हम क्या समझे कि क्रॉस फीड में आपको क्रॉस फीड जैसे समझेंगे, थोड़ा चित्र भी देखते चलेंगे जो आपको समझ में आएगा। यहाँ आप समझेंगे कि क्रॉस फीड जो है आपको, यह जब है और यह कटिंग टूल है तो यह लंबत रूप में, जब की धुरी के लंबत रूप में यह आपको कटिंग करते हुए फीड क्रिया करेगा, धातु को कट करके आगे बढ़ेगा लंबत रूप में, ठीक है। तो हमारे कैरेज द्वारा क्रॉस फीड से भी जब के धुरी के समांतर लंबत रूप में कटिंग टूल द्वारा फीड दी जाती है, ठीक है। तीसरा जो हम बताएं कि एंगुलर फीड क्या है, तो एंगुलर फीड किसी भी कोण पर आसानी पूर्वक कैरेज द्वारा एंगुलर फीड दी जाती है, जो वह कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड कहते हैं, कंपाउंड रेस्ट के द्वारा यह क्रिया किया जाता है किसी भी कोण पर। एक हो गया समांतर, दूसरा हो गया लंबवत, और तीसरा हो गया किसी भी कोण पर। तो तीन प्रकार से आपको फीड दी जाती है कैरेज द्वारा, लेथ मशीन के कैरेज द्वारा जो भाग होते हैं उसके द्वारा तीन प्रकार से आपको फीड दी जाती है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आपको कैरेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना, कैरेज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और असेंबल कैसे होता है, कौन से भाग एक दूसरे में स्पर्श करता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैरेज के भाग को हम लोग देखेंगे। कैरेज के भाग में आपको सैडल दूसरा भाग देखेंगे। कैरेज के भाग में सैडल के बाद आपको ऊपर जो होता है क्रॉस स्लाइड, उसके बाद आपको होगा क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड रेस्ट, उसके बाद होता है कंपाउंड रेस्ट के बाद आप देखेंगे सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट के बाद आपको आ जाएगा उसमें टूल पोस्ट, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे सैडल हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया, टूल पोस्ट हो गया, फिर आपको नीचे जो आ जाता है, नीचे क्या आप उसमें कह सकते हैं कि सैडल के जो भाग में फ्रंट पे आपको जो जुड़ा होता है, जो उसमें भिन्न-भिन्न लीवर लगे होते हैं, उसमें आप जो देखेंगे उसमें एप्रन होते हैं, है ना, एप्रन होते हैं, और उस एप्रन में, है ना, उस एप्रन में भिन्न-भिन्न आपको पार्ट्स होते हैं, जो सभी पार्ट्स को कैरेज के अंतर्गत रखते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। तो एप्रन हो गया, एप्रन में आप देखेंगे लॉकिंग बोल्ट, लॉकिंग स्क्रू कह सकते हैं, लॉकिंग बोल्ट एंड लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। उसको बाद हम लोग समझेंगे लॉकिंग बोल्ट एंड लॉकिंग स्क्रू, उसको बाद हम लोग समझेंगे कि उसमें और क्या होता है, उसको बाद आपको होता है उसमें लेड स्क्रू, उसको कह सकते हैं लेड स्क्रू लीवर, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। लेड स्क्रू लीवर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको बाद है आपको कैरेज हैंडल, ठीक है। उसको बाद आपको उसमें कैरेज में जो होता है रैक और पिनियन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो उसमें क्या होता है पिनियन, गाइड पिनियन,
गाइड पिनियन, उसके बाद होता है गाइड पिनियन के बाद हम उसमें देखते हैं गाइड पिनियन के बाद नेक्स्ट जो आपको आ जाएगा गाइड पिनियन के बाद, गाइड पिनियन हो गया, नेक्स्ट आपको आ जाएगा पिनियन, पिनियन उसके बाद आपको आ जाएगा इंटरनल भागों में, उसमें आपको हो जाएगा स्पिंडल, उसके बाद आपको आ जाएगा उसमें जैसे बेड में वह आपको उसका भाग कैरेज का नहीं होता है, लेकिन बेड में चलिए उसका भाग नहीं होता उसको नोट भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम जितना आपको देख रहे हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सभी आपको पार्ट्स होते हैं कैरेज का, ये सभी पार्ट्स होते हैं कैरेज का, जिसमें प्रत्येक भाग के बारे में जो असेंबल होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह आप ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं, जो पहला जो आप देख रहे हैं कि यह आपको क्या है कि सैडल है, तो सैडल जो होता है इसी सैडल भी भाग में, इसी सैडल भाग में क्या होगा कि सैडल भाग में आपको उसमें वेड वे ग्रूव कटा होता है, फ्लैट हो या भी आकार के हो, है ना, तो फ्लैट या भी दोनों हो, तो ये सभी जो ग्रुप जो कटा होता है जो बेड पर आसानी पूर्वक बल लगाकर मानवीय हैंडल द्वारा, कैरेज हैंडल द्वारा या ऑटोमेटिक फीड लेड स्क्रू द्वारा आगे पीछे स्लाइड फॉरवर्ड एंड रिवर्स से स्लाइड आसानी पूर्वक कराया जा सकता है, फॉरवर्ड आगे और पीछे स्लाइड कराया जा सकता है। तो इसमें क्या समझे कि सैडल जो होता है आपको बेड पर वह टिका होता है, बेड पर स्पर्श करता है और इस सैडल से जो जुड़ा होता है वह उस सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता है ना, जो क्रॉस स्लाइड जो लंबवत है ना, लंबवत जो हम बताए थे कि क्रॉस फीड, तो क्रॉस फीड आपको जो दिया जाता है धातु को काटने के लिए जो लंबवत रूप में क्रॉस फीड जो दिया जाता है आपको, फीड चलाया जाता है कटिंग टूल को उस स्थिति में रखा जाता है लंब रूप में, तो इसी करेंट के इसी भाग से क्रॉस स्लाइड से है ना, क्रॉस स्लाइड से जो क्रॉस में आपको वह कटिंग करता है, अर्थात जब के क्रॉस में, मतलब जब को लंबवत रूप में, जब को लंबवत रूप में क्रॉस में, ठीक है। उसके बाद है कि कंपाउंड एस्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, यह कंपाउंड एस्ट क्रॉस स्लाइड के आपको ऊपर होता है कंपाउंड एस्ट है ना, यह कंपाउंड एस्ट के बारे में समझेंगे कि यह आपको कंपाउंड एस्ट किसी भी कोण पर एंगुलर फीड देने में यह सक्षम होता है, एंगुलर फीड देने में आपको सक्षम होता है किसी भी कोण पर एडजस्ट कर और बेलनाकार वर्क पीस को आसानी पूर्वक काट सकता है, फीडिंग क्रिया कर सकता है, फीड दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको सैडल के बाद क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड एस्ट आ गया असेंबल में, उसके बाद है कि आपको टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट के बाद आपको आता है टूल पोस्ट, टूल पोस्ट में आप देखेंगे कि इसी टूल पोस्ट में कटिंग टूल को बांधा जाता है ना, इसी टूल पोस्ट में कटिंग टूल को बांधा जाता है और अपना स्थिति कटिंग टूल को टूल पोस्ट में बांधने के बाद कैरेज के द्वारा आपको क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट है ना, और इस तरह से आपको सैडल में लगे हुए हैंडल है ना, किसी भी कोण पर इस सभी का आपको समझिए कि इसे फीडिंग क्रिया किया जाता है। तो आपको क्या है, टूल पोस्ट में कटिंग टूल को बांधा जाता है, जो वह टूल पोस्ट के भी टाइप होता है जो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन यह टूल पोस्ट का टाइप होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एप्रन, देखिए एप्रन जो होता है यह ध्यान देंगे कि यह जो एप्रन जो होता है वह सैडल में ही जुड़ा होता है, एप्रन जो होता है सैडल के ऊपर वाले भाग पे असेंबल नहीं होता है, वह आपको फ्रंट पर, ठीक है, नीचे से आपको फ्रंट पे जुड़ा होता है, जो बेड पर नहीं होकर आपको उसको बोल्ट के द्वारा है ना, बोल्ट के द्वारा आपको वह समझे कि आपको नीचे से
एप्रन लगा होता है, जो एप्रन में कई भाग होते हैं, जैसे लॉकिंग बोल्ट एंड लॉकिंग स्क्रू, लेड स्क्रू लीवर है ना, उसके बाद है कैरेज हैंडल, गाइड पिनियन जो इंटरनल भागों में उसको होता है, उसके बाद है पिनियन, उसके बाद है स्पिंडल, जो पिनियन को चलाने वाला जो होता है वह स्पिंडल होता है, और स्पिंडल के साथ आप वो कैरेज हैंडल लगा होता है, ठीक है। तो ये सभी जो भाग होते हैं वह आपको एप्रन, जो एप्रन जो भाग जो देख रहे हैं, इसी एप्रन विभाग में, एप्रन भाग में आपको सभी जो पार्ट्स होते हैं वह असेंबल होते हैं। और यह कैरेज के सैडल के ऊपर क्रॉस लाइट, क्रॉस लाइट के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट आपको रहता है, और इस टूल पोस्ट में कटिंग टूल को बांध कर और सैडल, क्रॉस लाइट और कंपाउंड रेस्ट ये सभी को प्रयोग करते हुए आपको क्या किया जाता है कि आपको फीडिंग क्रिया किया जाता है और कटिंग टूल को सिलाई क्रिया किया जाता है, कटिंग टूल को, कटिंग टूल द्वारा वर्क पीस को सिलाई क्रिया किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो समझ रहे हैं जो बोर्ड पर, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पहले जो आपको देखे हैं उस पर भी विचार करेंगे, पहले इसको समझे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रत्येक भाग को असेंबल किस प्रकार से किया होता है वह फिगर में भी हम देखते चलेंगे, और फिगर को देखते हुए इसका समझे कि इसे हम लोग असेंबल किस प्रकार होता है उसको बारे में भी हम लोग समझते चलेंगे। चलिए ठीक है। तो कैरेज में मुख्य पॉइंट जो होता है, जो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में और आपके एग्जामों में भी आते रहता है, तो वह क्या है कि आपको फीड के बारे में के क्रॉस एंड कैरेज द्वारा आपको कितने फीट दी जाती है, तो कैरेज द्वारा आपको 3 फीट दी जाती है, जिसमें आपको 3 फीट लॉन्गिट्यूडनल फीट, ठीक है, क्रॉस फीट और एंगुलर फीट, ठीक है, 3 फीट दी जाती है, जिसमें आपको ऑप्शन में भी दे सकता है कि आपको 3, 4, 2, 1 है ना, तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा तो इसमें आप चूज कर लेंगे कि 3 होता है। उसी तरह से आपको उसको लैंग्वेज चेंज करके आपको रहेगा कि आपको किस फीड में है ना, किस फीड में लंबवत कटिंग टूल को लंबवत उपयोग किया जाता है, लंबवत आपको गति में चलाया जाता है, लंबवत गति में चलाया जाता है, ऑप्शन आपको लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड दे दिया जाए तो आपको आंसर क्या हो जाएगा उसमें जो लंबवत में है ना, तो क्रॉस फीड। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन जो होता है वाक को चेंज कर करके आपको कंपटीशन के एग्जामों में आता है और अपने आईटीआई के एग्जामों में भी आता है, ठीक है, हमारे टेट के भी एग्जामों में जो होता है वह आईटीआई का उसमें भी होता है। नेक्स्ट है कि आपको प्रश्न जो रहता है कि आपको कैरेज का जो उपयोग क्यों किया जाता है, क्या उपयोग है कैरेज का लेथ मशीन में, तो कैरेज का उपयोग जो है आपको ऑप्शन में विभिन्न ऑप्शन दे देगा और उसमें दे रहेगा जो कटिंग टूल को विभिन्न गति प्रदान करने के लिए है ना, आंसर जो रहेगा कटिंग टूल को विभिन्न प्रदान करने, विभिन्न गति प्रदान करने के लिए उसमें रहेगा कि नहीं, कटिंग टूल को रोकने के लिए, कटिंग टूल को अस्थायी रूप से बांधने के लिए, इस टाइप से कई ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा कटिंग टूल को विभिन्न गति प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कंपटीशन में भी एग्जाम में पूछा जाता है, अपने आईटीआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो दोनों के लिए हम लोग के लिए फायदा हो रहा है, तो इस पर ध्यान देना आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो वीडियो जो देख रहे हैं, जो हम वीडियो से हम स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो हम वीडियो खुद बना रहे हैं और बनाने के बाद आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे वीडियो को, ऐसे न्यू वीडियो को पाने के लिए हमारे आईटीआई ज्ञान ट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।